गाइस कोको से तो मैं फिर से वीडियो बनाने के लिए आ चुकी हूँ। तो गाइस मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, आज मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ क्योंकि मैंने आपको कोको एंड कैंडी व्लॉग्स में बताया था कि जो हमारी कैंडी हैगी उसके बच्चे आने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि उसके बच्चे आने वाले हैं, उसके बच्चे आने वाले, तो मैंने आपको बताया था कि उसके बच्चे आने वाले, मैंने आपको बताया था कि मैं उसके बच्चे जब आएंगे मैं उसकी वीडियो डालूंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहीं जा रहे थे थोड़े दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए। तो हमने सोचा था कि हम किसी के यहाँ उनको दे देंगे थोड़े दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए दे देंगे। और हमने उन्हें बताया भी था कि जो हमारे इन दोनों में से जो बच्चे आएंगे, ये जो कहेंगे इन दोनों में से किसी के बच्चे आने वाले हैं, तो आप इनका ध्यान रखना, अच्छे से रख लेना। और जो जिनके घर पे हमने उनको दिया था उनके घर पे भी बहुत सारी बिल्ली आएंगी, और जो उनकी एक बिल्ली है उसके बच्चे आने वाले होंगे। तो उन्होंने जब उनके वो घर गए थे ना, तो मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने इतनी गंदी तरह कैंडी को खींचा पकड़ के, जोई तो निकल गई, उन्होंने इतनी गंदी तरह पकड़ के खींचा। जब बताया था तो उन्हें आराम से तो निकालना चाहिए था, बिल्कुल भी उन्हें तमीज़ नहीं थी कि आराम से निकाल लेते। और पता है उनकी जो कैंडी या उनकी ना लड़ाई भी नहीं हुई थी, और पता है कैंडी के या किसी में के खून निकला था है। तो मतलब कि ना उनकी जो बिल्ली के बच्चे आने वाले थे उनके जाके एकदम से चेक करा और इनके चेक नहीं करा। और जो कोई भी अगर हमारे यहाँ पे कोई किसी को भी कोई भी कैट को देता था थोड़े दिन के लिए रखने के लिए, तो हम अच्छे से रखते थे। और फिर मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगी, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन मैं आपको बता दूंगी कि उनकी वीडियो भी दिखाऊंगी। और आज ही कल हमने थोड़े दिन पहले हमने बिल्कुल थोड़े दिन पहले उन्हें दिया था, और आज कैंडी के बच्चे आ चुके हैं। लेकिन कैंडी के बच्चे जो आएंगे ना, वो उसमें से एक भी ठीक बच्चा नहीं था, जो सारे बच्चे थे वो सारे मरे हुए थे। और मैं भी आपको कैंडी को दिखा देती हूँगी, कैंडी के जो बच्चे आए थे मैं वो भी दिखा दूंगी, उसकी वीडियो भी डाल दूंगी। और जिसमें जो उन्होंने इतनी गंदी तरह खींचा, उन्होंने इतनी गंदी तरह, मुझे वीडियो में देख के इतना गुस्सा आया ना, बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा। और अब से मुझे बहुत ज़्यादा उनके ऊपर गुस्सा आया कि बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और बता देती हूँ कि मैं एक बार फिर बोल देती हूँ, वो है तो मैं आपको बताती थी, वो कैट लवर है, कैट लवर कैट के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, ज़रा मुझे ये बताना। और जो वो मैं तो एनिमल लवर हूँ, तो फिर आप मुझे बताना, मैं एनिमल लवर और वो कैट लवर है, चलो कोई बात नहीं, वो एनिमल लवर नहीं कैट लवर हैंगी, तो मतलब फिर वो कैट का एकदम किसी और कोई कैट आ जाते हैं उसको तो ध्यान रखना चाहिए, इतनी गंदी तरह कोई खींचता है उनको। जाते ही साथ जब उसके कैंडी के किसी के ब्लड निकला था ना, पता नहीं किसके, उन्हें बताया नहीं, तो जब फिर वो वापिस देने आए ना, हमें तो कहने लगे इनकी लड़ाई हो गई, और जिससे जो उनके बच्चे आने वाले थे उसको कोई दिक्कत ना हो जाए, चाहे इन दोनों को जोई और कैंडी को दिक्कत हो जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो, दोनों का भी तो ध्यान रख सकती थी वो। तो गाइज मैं यही बता रही थी, तो आपको कुछ नहीं करना, बस मैं आपको बस यही बता रही थी। तो बाय बाय।